नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप MS Excel की फाइल को Gmail से कैसे सेंड कर सकते हो। आइए जानते हैं। तो हमारे पास ये MS Excel की फाइल है, ये एक मार्कशीट है जो कि हमने आपको दिखाने के लिए बनाई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो उसे ओपन कर लीजिए, वरना आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी ओपन कर सकते हो। तो हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। हम यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन है पहले से ही। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सर्च करना है जीमेल, अपने जीमेल को ओपन कर लीजिए, जैसे कि आप करते हैं फाइल वगैरह भेजने के लिए या मेल को देखने के लिए। तो हमने इसे कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा इधर की तरफ, कंपोज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हल्का सा इंतज़ार करना है और यहाँ पे आपको बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा टू, तो यहाँ पे आपको उसका मेल आईडी डाल देना है जिसे आप भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक मेल आईडी, हमने डाल दी है। सब्जेक्ट लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइल। नीचे की तरफ से आप अगर कोई मैसेज टाइप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, तो हम कर देते हैं दिस इज माई मार्क शीट। इसके बाद नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक पिन का निशान, ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाले फाइल की लोकेशन देख लेनी है जो आप एक्सेल की फाइल को भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे सेव करा था उसको, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये रही वो फाइल, हम इस पर क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ से इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है, आप देख सकते हैं फाइल XLSX तो हो चुका है। फिर आपको सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ से सेंड दिखाने लग जाएगा और यहाँ पे आपका जो MS Excel की फाइल है वो मेल से सेंड हो गई है। आप व्यू मैसेज भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।